हेलो स्टूडेंट, आगे हमने एल्डिहाइड और कीटोन उनकी जो प्रिपरेशन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने तीन सेक्शन में प्रिपरेशन को डिवाइड किया था। द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, मतलब ऐसे कुछ रिएक्शंस जहां से हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। ओके दूसरा जो सेक्शन था दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मतलब दैट रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। और थर्ड सेक्शन जो हमने पढ़ा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। ओके तो प्रिपरेशन का पार्ट जो है यहां पे कंप्लीट हो गया है और आप सबने फुल स्केप में ये सारे रिएक्शंस लिखे हैं और प्रिपरेशन को कैसे याद रखना है, कहां से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, उसकी पूरी मैंने आपको एक सीरीज बना दी है। और वो सीरीज इट मींस हमारे चैप्टर की जो सीक्वेंस है दैट इज सीरीज, उससे प्रिपरेशन का पार्ट हमारा इजी हो जाता है। प्रिपरेशन के बाद जो कंपाउंड है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अगेन इट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बहुत सारे रिएक्शंस है। तो हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक की जो सिक्वेंस है उसको थोड़ा हम एडिट कर रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में जब केमिकल रिएक्शन आता है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ही आता है। क्लियर? और ऑक्सीडेशन हम पहले पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके अब आप सबको पता होगा कि हमारी जो सीरीज होती है उसमें पहले हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हेलोजन फैमिली, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल इथर, देन एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो फॉरवर्ड की हमारी जो सीरीज है That is based on oxidation. तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फिक्स हो गया। ओके तो उससे रिएक्शन इजी हो जाते हैं। ठीक है तो सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन, पहले एल्डिहाइड की हम बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकता है। कीटोन में ऐसा नहीं है, कीटोन में आपको कंपल्सरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करने पड़ेंगे, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। ओके तो टाइटल मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन बाद में देखते हैं। ओके तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है वो बेसिकली, वन मिनट, उसमें दो टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज टॉलरेंस टेस्ट, इसको टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, या तो उसका दूसरा भी नेम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब एक आइडेंटिफिकेशन का भी एक टेस्ट है, मतलब आपको मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, इट मींस वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है अब आपको कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है या तो एक कीटोन है, तो उसके लिए एक्चुअली टेस्ट होता है और उसमें जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन होने वाला है। ओके तो टॉलरेंस टेस्ट में एक रिएजेंट आता है दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट। ओके और टॉलरेंस रिएजेंट जो है उसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, कीटोन का नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना, टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता। तो वो ये जो नेचर है, ये जो प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल कि वो एल्डिहाइड है और या कीटोन है। ओके तो सबसे पहले
मान लो कि ये टेस्ट है, तो टेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मान लो कि ये सैंपल है, ये सैंपल है। अभी हमें सैंपल पता नहीं है आल्डिहाइड का है कि कीटोन का, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं ओके कि सपोज ये जो सैंपल है वो आल्डिहाइड का है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आल्डिहाइड कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे सपोज आर सी एच ये आल्डिहाइड है ओके। अब आल्डिहाइड है मान लो, तो उसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट को ऐड किया है। टॉलरेंस दैट इज वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज एजी NH3 twice और यहां पे प्लस, तो इसके टू मोल्स aldehyde के साथ रिएक्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन है विथ थ्री मोल्स ऑफ OH माइनस, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है ओके। सैंपल सपोज aldehyde का है और उसके अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट को ऐड किया है ओके, और टॉलरेंस रिएजेंट आपने ऐड किया, सैंपल में aldehyde है सपोज, तो ये रिएक्शन होगा एन aldehyde कन्वर्टिंग टू एसिड। तो यहां पे एसिड का आयन लिखा हुआ है RCOO-, ठीक है, तो रिएक्शन हो गया aldehyde कन्वर्टिंग टू एसिड, एक कार्बोक्सिलेट आयन है क्लियर। साथ में 2Ag सॉलिड निकल जाता है, 2Ag सॉलिड प्लस अमोनिया निकलेगा 4 मोल्स ऑफ NH3 और साथ में आई थिंक 3 मोल्स ऑफ वाटर। एक बार चेक कर लो 3 मोल्स ऑफ वाटर है कि ज्यादा है, टेक्स्ट बुक में देख लो 3 मोल्स ऑफ वाटर है, सॉरी 2 मोल्स ऑफ वाटर, यस आपको याद रखना है। ठीक है, आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो इससे देखो क्या होगा कि पूरा जो रिएक्शन है उसमें आपको सिल्वर मिल रहा है, सिल्वर दैट इज अ सॉलिड और सिल्वर की इमेज इज शाइनिंग ओके। तो ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसकी जो बॉल है, यहां पे आपको सिल्वर मिलेगा, सिल्वर दैट विल डिपॉजिटेड, मतलब जो वेसल है उसमें यहां दिखाई देगा, मतलब आपको बाहर से सिल्वर उसको आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो, मिरर जैसा आपको लगेगा, देयरफॉर इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट ओके। तो एक सिल्वर आपको दिखाई दिया, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो जाता है कि रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ मतलब सैंपल कंटेंस एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन कीटोन के साथ नहीं होता। मान लो कि सैंपल में कीटोन है और आपने उसमें टॉलरेंस डाल दिया तो कुछ भी होगा नहीं, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन कीटोन एंड टॉलरेंस। तो बेसिकली इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो aldehyde का हो सकता है, तो ये क्लियर होना चाहिए ओके। और रेडॉक्स है, आप बोलोगे सर रेडॉक्स कैसे, सो वी कैन राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो aldehyde है उसमें आपको भी पता है, मैंने रेडॉक्स आपको पढ़ाया हुआ है ओके। उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, तो R का तो जीरो होता है ठीक है, ऑक्सीजन का माइनस टू मैंने बताया था और हाइड्रोजन का प्लस वन, तो यहाँ पे मान लो कि प्लस वन होगा, और ये एसिड है और एसिड में स्टेट होता है प्लस थ्री, सो कार्बोनिल कार्बन जो है वो प्लस वन से प्लस थ्री जा रहा है, इट मीन्स अंडरगोस ऑक्सीडेशन, इट मीन्स aldehyde एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। At the same time, Ag, यहाँ पे Ag plus 1 है और यहाँ पे Ag 0 है, तो plus 1 से 0 मतलब reduced, the tolerance को reduce किया, किसने aldehyde ने, तो ये reaction को ऐसे भी याद रख सकते हैं ठीक है। तो इसको हम chemical property में ले रहे हैं। दूसरा ही ऐसा एक test है, that is Fehling test, इसमें दो solution होते हैं, Fehling A एंड फेलिंग बी। ये जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस, बी जो है दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट इसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट ओके। तो जैसे टॉलरेंस रिएजेंट होता है वैसे फेलिंग सॉल्यूशन में मिक्सचर होता है फेलिंग ए फेलिंग बी ओके। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, तो उसमें क्या होगा देखो, मान लो कि हमारा सैंपल जो है वो फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं aldehyde है, RCHO, इसमें हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो रिएक्शन होगा। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में Cu2+ है, साथ में OH- भी लिखेंगे, यहां पे 5OH- है
और ये 2Cu2+ है, तो यहाँ पे फिर से एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और साथ में यहाँ पे Cu2O सॉलिड, मतलब आपको रेड पीपीटी मिलते हैं और वाटर के आई थिंक 3 मोल्स यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार देखो बैलेंस हुआ कि नहीं। एल्डिहाइड RCHO 2Cu+3OH, that is RC2Cu2O solid plus 3H2O, yes, ठीक है, बैलेंस करके देख सकते हो। तो आप बोलोगे सर इसमें हमें नेकेड आइस से क्या देखने को मिलेगा, दैट इज रेड पीपीटी। जैसे यहाँ पे आप सिल्वर देख सकते हो वैसे यहाँ पे आपको रेड पीपीटी मिलेंगे, और रेड पीपीटी जो मिलते हैं दैट इज क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड के आपको रेड पीपीटी मिलेंगे। तो यहाँ ये भी वन टाइप ऑफ कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्सी है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +3 है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये जो कॉपर है दैट इज वो +2 है, एक क्यूप्रिक है, और Cu2O में आप देख लेना +1 है, दैट इज क्यूप्रस। तो ये भी वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। तो उसमें भी आप देखो कि एल्डिहाइड जो है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल फेलिक सॉल्यूशन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दोनों जो रिएजेंट है बोथ आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो वीक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता, और इसीलिए ये टेस्ट जो है वो कीटोन के लिए नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। एलिफैटिक और एरोमेटिक में हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाद में दूसरा भी एक टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट है, उसमें भी ऐसा ही एक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा जो सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है उसकी जगह पर साइट्रेट आयन यहाँ पे यूज होता है। वो टेक्स्ट बुक में उसके बारे में ज्यादा डिटेल में है नहीं, फिर भी आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में ये 3 टेस्ट याद रखने हैं, टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल वो एसिड तो देता ही है, ये तो हमने आगे भी पढ़ा था अल्कोहल वाले चैप्टर में, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें बीच में एल्डिहाइड मिलता है। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज कर दिया KMnO4 जैसा, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्पेशल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में एप्लीकेबल है, तो वीक आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, नाउ सी सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, यस यहाँ ही लिख देता हूँ डायरेक्ट में, एल्डिहाइड की जगह यहां पर मैं लिख देता हूं कीटोन। ओके, चलो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो वीक से थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग एजेंट ही यूज करना पड़ेगा। अब कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज प्रोपेनॉन, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एसीटोन, तो ये हमारा कीटोन है। ओके, अब इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस यहां पे मैंने एजेंट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल KMnO4, और यहां पे मैंने O डाल दिया, इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीडेशन है। ओके, दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें से आपको एसिड मिलेगा, बट नॉट अ सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, मतलब बॉन्ड जो है वो यहां दो में से कई साइड में ब्रेक हो जाता है, मतलब सिमेट्रिकल पार्ट है, कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करो या यहां से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैंने एक बॉन्ड आपका ब्रेक कर दिया। अब देखो रिएक्शन को याद रखने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड मिलता है, इट मींस मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, तो ये जो पार्ट यहां से ब्रेक हुआ उसको 2 एसिड में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब आपके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड है उसमें 2 कार्बन है, तो मुझे बताओ 2 कार्बन वाला एसिड कौन, तो CH3COOH, बस इतना ही आपको लिखना है।
ये जो पार्ट है मिथाइल, उसमें एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन हो ऐसा एसिड बताओ, दैट इज एच सी डब्ल्यू एच, होगा कि नहीं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड, तो एक प्रोपेन और में ऐसा होगा। आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप की लेफ्ट साइड में मैंने मिथाइल ग्रुप डाला है और राइट साइड में मैंने इथाइल ग्रुप डाला है, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो पहले मैं ए बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हाँ पहले इसको ब्रेक कर रहा, चलो इसको आपने ब्रेक किया तो दो पार्ट हो गए, चलो ए पार्ट में दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एसिड लिखना है मुझे, तो सी एच थ्री सी डब्ल एच डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सर, यहां पे दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एसिड ही मिलेगा, तो वो भी आपका एसिटिक एसिड ही होगा, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। सेकंड पॉसिबिलिटी, चलो सेकंड पॉसिबिलिटी मान लो कि ए बॉन्ड ब्रेक होगा, सपोज ए और बी, ए जो प्रोडक्ट मिल रही है वो ए से मिल रही है, ऐसे है। अब बी ब्रेक हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे सी एच थ्री है तो एक कार्बन वाला एसिड कौन, तो एच सी डब्लो एच, प्लस यहां पे तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाला एसिड लिखना पड़ेगा सी एच थ्री सी एच टू सी डब्लो एच, और ये आपको मिलेगा बी बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब। ये दो मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई है। अब इसका एनालिसिस हुआ, तो एनालिसिस से पता चलता है, एनालिसिस से पता चलता है कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो ए वाला है, मतलब ए मेजर प्रोडक्ट है, ए मेजर प्रोडक्ट है, तो यहां से एक रूल बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉप ऑफ रूल, टेक्स्ट बुक में शायद उसके बारे में लिखा नहीं है लेकिन उसको पॉप ऑफ रूल बोलते हैं, और ये जो रूल है उसका कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, ए मेजर प्रोडक्ट है इसका मीनिंग हो जाता है कि ए बॉन्ड रियल में ब्रेक हुआ तो उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ओके। तो इसका मीनिंग हो जाता है, इसका रूल क्या बनता है, तो ए बॉन्ड रियल में ब्रेक हुआ इसका मीनिंग हुआ कि ये कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ रहता है, मिथाइल के साथ या इथाइल के साथ, तो यहां पे कंडीशन हो जाती है, ये रूल बन जाता है, कार्बोनिल ग्रुप स्टे विथ स्मॉल अल्काइल ग्रुप, दैट इज कंक्लूजन ऑफ पॉप ऑफ रूल, फिनिश। मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन में आपको ये बात याद रखनी है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जो बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बोनिल ग्रुप किसके पास जाएगा, स्मॉल अल्काइल ग्रुप के पास। यहां पे आप देखो ए बॉन्ड आपने यदि ब्रेक कर दिया तो सी ए ग्रुप इथाइल के पास चला जाएगा, तो वो रूल नहीं है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, दैट इज अ पॉप ऑफ रूल, ओके। तो ए हो गया सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ओके। यहां पे दोनों एसिड सेम एसिड है, मतलब टू मोल्स में आपको मिलेंगे, ये आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, क्लियर। चलो अब बीच में एक टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, और यू कैन से हेलोफॉर्म टेस्ट या तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसका एक फोटो ले लो, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन, ओके। और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्स टू प्लस एन ए एच, मतलब पहले हम हेलोजन ऐड करेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप में हम एन ए एच अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज हेलोफॉर्म, ओके। यदि आपने एज अ हेलोजन आयोडीन यूज किया तो आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा, आपने यदि क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ओके। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड, ओके। तो मान लो कि आपके पास एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे एच, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ओके। अब एल्डिहाइड में हम क्लोरीनेशन करते हैं, पहले क्लोरीनेशन प्लस सी एल टू,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट जब होता है तो आपको क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा बाय हेलोजन। तो यहां पे ये जो मिथाइल ग्रुप में कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, वो तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे माइनस 3HCl। मतलब यहां पे टोटल हम 6 क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो 6 में से 3 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल गए, तो यहां पे हमें मिलेगा CCl 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 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H हमें A मिलेगा बीच में, ओके। और उसके बाद हम इसमें NaOH ऐड कर देते हैं, NaOH। और जैसे आप इसमें NaOH ऐड करोगे तो ये जो पार्ट है CCl3 के साथ ये हाइड्रोजन निकल जाता है और हमें मिलता है CHCl3, ऐसे याद रखना है, ओके। और प्रोडक्ट आपको मिलेगी बाय प्रोडक्ट HC डबल बॉन्ड O, यहां पे ONa ऐसे मिलेगा, सोडियम फॉस्फेट, ऐसे याद रखो। तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज अ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में हम इसमें कीटोन भी ले सकते हैं। मान लो कि हमने यहां पे कीटोन लिया, यहां पे मैं R फिक्स कर रहा हूं C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैं लिख रहा हूं CH3। ये R अदर देन CH3 मान लेते हैं, ओके। यहां पे मैंने एक स्पेसिफाई किया है, सो प्लस क्या होगा 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट माइनस 3HCl। तो यहां पे मुझे प्रोडक्ट मिलेगी RC डबल बॉन्ड O देन C, और यहां पे 3Cl आ गए। और उसके बाद इसमें हमें NaOH ऐड करना है, NaOH, तो फिर से एक बार CHCl3 मिलेगा, CHCl3 प्लस RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो जाएगा ONa। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, ओके। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ निकलता है एक्चुअली, तो यहां पर मैं एज अ नोट करके आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ओके। पर्टिकुलर फॉर हेलोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड मस्ट बी contains CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे डैश, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CH3, मतलब मिथाइल कीटोन, ऐसे याद रखो मिथाइल कीटोन, और CH3 CHOH डैश, बस ऐसे याद रखना है। मतलब यहां से MCQ निकल के आते हैं, मतलब चार कंपाउंड आपको दिए होंगे, कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ओके। तो वो कंपाउंड में ये दो ग्रुप होने चाहिए, आइदर दिस और दिस। अब यहां पे देखो, जैसे हमने पहला रिएक्शन मैंने लिखा, उसका रीजन है ए पार्ट, आप देखो CH3CO ग्रुप आ गया कि नहीं, ओके। यहां भी देखो आ गया है, मतलब यहां पे जो डैश है यहां पे कोई भी हो सकता है, यहां पे आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, यहां पे आप R भी लिख सकते हो। तो हम बात करते हैं आल्डिहाइड, तो आल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर कौन है, आल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल, तो मिथेनॉल की फॉर्मूला होती है HC डबल बॉन्ड OH। तो मुझे बताओ मिथेनॉल में आपको एक भी फॉर्मेट दिखाई देता है, नो। तो इसका मीनिंग हुआ मिथेनॉल जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट या तो आयडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, क्लियर। मिथेनॉल के बाद दूसरा कंपाउंड इथेनॉल होता है, इथेनॉल आपके सामने ही है जहां पे CH3 यहां पे हो जाता है, तो उसमें आपको मिथाइल कीटोन दिखाई देता है, देखो तो ये दे सकता है, क्लियर। तो इथेनॉल दे सकता है, मिथेनॉल नहीं दे सकता। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल दे सकता है, प्रोपेनॉल की फॉर्मूला होती है CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H, मुझे बताओ तो प्रोपेनॉल दे सकता है, तो प्रोपेनॉल में देखो कुछ नहीं है, मतलब प्रोपेनॉल भी नहीं दे सकता। तो इसका मीनिंग हो जाता है एल्डिहाइड फैमिली जो है उसमें एल्डिहाइड फैमिली में ओनली इथेनॉल गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। अब बात करते हैं कीटोन,
कीटोन में फर्स्ट मेंबर होता है एसीटोन, प्रोपेनॉन CH3COCH3, तो वो दे सकता है सिंपल क्योंकि एक ग्रुप आ गया। ओके बाद में SM6 मिलेंगे, चलो CH3 दोनों साइड इथाइल ग्रुप है। अब मुझे बताओ ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? नो, ये डाइथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन है ही नहीं, तो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है वो वहां पे एप्लीकेबल होगा। बात करते हैं ए ग्रुप की, नॉर्मली ये अल्कोहल बेस्ड है क्योंकि OH है। अब मान लो कि ये जो डैश है उसमें मैंने यहां पे H लिख दिया, फॉर एग्जांपल H लिखा तो कंपाउंड कौन सा होगा? CH3CH2OH होगा, दैट इज इथेनॉल। तो इसका मीनिंग हो जाता है इथेनॉल में ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि डैश है वहां पे, आप H लिख सकते हो, तो इसका मीनिंग हुआ इथेनॉल ऑल्सो गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। मिथेनॉल दे सकता है? नो, मिथेनॉल में फॉर्मेट नहीं है। दूसरी बात, यहां पे हम दूसरा ले सकते हैं CH3, इट मींस CH3CHOHCH3, दैट इज प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है क्योंकि इसमें फॉर्मेट आ गया। बात समझ आ रही? हाँ, प्रोपेन वन ऑल नहीं दे सकता, प्रोपेन वन ऑल नहीं दे सकता, प्रोपेन टू ऑल दे सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम इथाइल लिख सकते हैं, इथाइल मतलब CH2CH3, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल दे सकता है। हमें ए फॉर्मेट चाहिए बस, यहां पे कुछ भी हो डजंट मैटर, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी आप डाल दो और उस हिसाब से हम अल्कोहल की फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब ए ग्रुप अल्कोहल के लिए है, इसका मीनिंग हो जाता है नॉट ऑल अल्कोहल, स्पेसिफिक अल्कोहल, स्पेसिफिक अल्कोहल, स्पेसिफिक एल्डिहाइड, स्पेसिफिक कीटोन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट एंड दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर MCQ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके तो आज मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बताया है, तो आज का जो लेक्चर था दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस रिएक्शन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट इज रिडक्शन, मतलब यहाँ पे हम सीरीज में आगे बढ़े, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को एसिड की ओर ले गए। कल हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को वापस ले जाएंगे, तो वहां से क्या मिलेगा? अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल मिलेगा, आगे हाइड्रोकार्बन भी मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।